येस हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग तो स्वागत स्वागत स्वाग बालिक बालिकाओं बालिकों संस्कृत आती है गईज संस्कृत आती है किसी को यहाँ पे क्लास में कोई संस्कृत के ज्ञानी व्यक्ति अच्छा बोलोगे कि मैम हिंदी और इंग्लिश तो अभी आ नहीं रही है संस्कृत क्या ही आएगी है ना सही बात है हिंदी और अंग्रेजी में ही कष्ट है तो संस्कृत तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया चले बहुत बढ़िया वेरी गुड मॉर्निंग पलक हैं हमारे साथ पूजाश्री हैं संदीप हैं पयास हैं परमार हैं हिमांशु हैं शिवम हैं जेजे जेजे -जे ब्रैकेट में जिज्ञासु जिज्ञासु जाढ़ा अच्छा प्रवीण आर्यन वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग अच्छा आर्यन को हिंदी संस्कृत आती है नहीं आती है बहुत कठिन है अच्छा गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग चले बहुत बढ़िया तो गई कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों ने स्टार्ट की है याद है कि क्या क्या स्टार्ट किया है तो क्या स्टार्ट किया है रोज़ मैं आपको ना आजकल एक टॉपिक दे रही हूँ एज असाइनमेंट का नाम ये आपको डिफेंस अट डाट ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल वेबसाइट के आजकल यूट्यूब भी थोड़ा चेंज हो गया है उसमें वीडियो अलग है शॉर्ट्स अलग है लाइव अलग है तो अगर कोई रिकॉर्डेड रहेगा तो वो वीडियोस में आएगा अगर लाइव है तो वो लाइव सेक्शन में आएगा तो यूट्यूब थोड़ा अलग हो गया है लेकिन हमको ना थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है कि हमको पुरानी चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो आप लोग को नया वाला यूट्यूब अच्छा लग रहा है या पुराना वाला यूट्यूब अच्छा लग रहा है जब ये नया वाला यूट्यूब आया था हम तो फ़ोन ही अपडेट नहीं कर रहे थे हम सोचे कि नहीं चाहिए नया चीज़ ठीक है तो कुछ लोगों को पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं जैसे कि मुझे आप लोग तो अपडेटेड वर्जन है अच्छा बहुत लोग कह रहे हैं पुराना ही वाला अच्छा था ठीक है तो यूट्यूब के शॉर्ट सेक्शन में डिफेंस अडर ट्वेंटी फोर सेवन में आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अपना ही चैनल है दोनों इंजीनियर्स डिफेंस तो इसमें हम ना आपको रोज़ एक टॉपिक भेज रहे हैं अब टॉपिक क्या भेज रहे हैं तो एकदम नलायक जैसा कुछ भी नहीं लिखना है उसमें उसमें क्या लिखना है जैसे फर्स्ट टॉपिक क्या था इंडिया और रशिया के बारे में है ना इंडिया रशिया के ट्रेड रिलेशन के बारे में तो पहले बेसिक लिखिए उस टॉपिक को देने का रीज़न ही ये है कि क्योंकि आप लोगों को बेसिक चीज़ें जो नहीं पता है वो लिख दीजिए जैसे कि कौन सा बोकारो वाला स्टील प्लांट रशिया के मदद से बना या फिर रशिया के साथ और क्या क्या चीज़ें होती इंदिरा तो जितने भी फैक्चुअल चीज़ हैं वो चीज़ हमको चाहिए और वो अपना सोच विचार नहीं लिखना कि रशिया के साथ डील नहीं करना चाहिए करना चाहिए वो चाहिए। जो फैक्ट हैं वो लिखिए क्योंकि अभी पहले फैक्ट पे अगर कमांड बनेगा ना तो आगे जाकर बोलने में इजी रहेगा अब सेकंड टॉपिक हम आपको दिए थे कि इंडिया और यूएनएससी तो उसमें मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे ये था जैसे एक बच्चे ने कुछ कुछ बच्चे ने मेरे को बहुत अच्छा अच्छा आंसर लिखा है किसी अलग क्लास में मैं उसको दिखाऊंगी आंसर्स को तो यू में मैं चाह रही थी आपसे क्या कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप बताएं कि सिक्योरिटी काउंसिल में ना पंद्रह मेंबर्स होते हैं एक टाइम में पांच इसके परमानेंट मेंबर हैं और दस इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं और दस में से हर और मतलब ऑल्टरनेट ईयर्स में ये क्या करते हैं कि हर साल पांच मेंबर ढूंढ लाते हैं और ईच का कार्यालय दो साल का है तो जैसे कि इवन नंबर में जिस पांच मेंबर को लाएं ऑड नंबर्स में अगले पांच मेंबर को लाएं ठीक है तो इस तरह से ये चलता रहता है तो वही सब चीज बताना था आपको वीटो किसके पास है अगर किसी चीज के लिए दस लोग वोट कर रहे हैं और एक आदमी वोट नहीं कर रहा है नेगेटिव वोट कर रहा है तो क्योंकि उसके पास वीटो है तो वो सब चीजें आपको यहां पर मेंशन करनी थी और कल हमने दिया था बिल्कुल फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे जिसमें बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं जैसे सत्यम कह रहे हैं तो उसमें हमसे हम आपसे हम आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स में आप लिखें कि फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक में है डी पी एस पी यहाँ से यहाँ तक में है तो ये सब चीज़ें आपसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ अब क्योंकि हम पेड क्लास में ये पढ़ा चुके हैं टॉपिक तो अब आपको जो जानकारियाँ हैं कि देखिए राइट टू तो एजुकेशन दोनों जगह है है ना या फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिस ये उसके बाद अगर गवर्नमेंट बनाती है तो उसको राइट बना दिया जाएगा इस तरह से आपको अगर आप कंटेंट और दे सकते हैं तो आप लिखिए तो लिखना शुरू कीजिए मेन चीज़ आपका ये स्टार्ट करने का ये जो असाइनमेंट नंबर्स देने का मेन एजेंडा यही है कि लिखना शुरू कीजिए फैक्ट्स लिखिए उसके बाद अगर फैक्ट्स कलेक्ट हो जाते हैं तब अपने विचार या जो पढ़ा है आपने वो लिखिए ठीक है तो एक तो ये बात हो गई असाइनमेंट वाली बात दूसरा बात है कि अंग्रेजी के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग देखिए बहुत सारे एग्जाम में इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस है और इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश को ग्रामेटिकली uh, भी करेक्ट करना है अगर आप इंग्लिश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक घंटे का समय दीजिए इस क्लास के जस्ट बाद नौ बजे प्रिया मैम लेती हैं डिफेंस अंडर ट्वेंटी फोर सेवन पे इंग्लिश और वो बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मैम के उस जो सीरीज़ चलता है उससे आते हैं बहुत सारे जैसे खासकर आप एंटो नेम्स और सिनो नेम्स को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं उसको लेकर आप ज़रूर उसको देखें अब तीसरा काम अच्छा सुबह सुबह बहुत कम देख दी दे तुम लोग को है ना हाय ये छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा सब तीसरा काम है हम एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं आपके लिए ही चल रहा है ये कैंपेन तो बेसिकली बात ये है कि रेलवेज में वैकेंसी कम आ रही है और नहीं आ रही है आरआरबी को देख लो एल को देख लो इसको लेकर हम इतने दिन से मतलब तो बस बातें ही हो रही हैं तो इस पर एक कैंपेन है नौ बजे वो कैंपेन है इंजीनियर्स अड्डा पे ये कैंपेन है क्योंकि इंजीनियर्स के लिए है ना ये तो कैंपेन में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा क्योंकि ये कैंपेन से मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कभी कभी सरकार को याद दिलाना पड़ता है कि भाई पढ़ तो लिए हम लोग वैकेंसी निकाल दो है ना नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा तो ये कैंपेन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और कल हमने रात में नौ बजे इस पर एक सेशन भी किया था बहुत लोग रजत सर शिवम सर आर के सर अविनेश सर, सर सब को आए थे तो आप भी इसमें आइएगा पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा ठीक है चलिए ऑल द वेरी बेस्ट स्टार्ट करते हैं आज आज बहुत बातें हो गई हाँ, तो एफ कैट के ऑलरेडी चल रहे हैं कॉम्बो बैचेज हैं एस एस बी की तैयारी भी चल रही है नहीं एनरोल्ड है तो फटाक से जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा ओके तो वर्ल्ड एड्स डे अब ये बताइएगा वर्ल्ड्स एड्स डे कब मनाया जाता है हेमांशो कह रहा है इतनी सारी बातें हो गई कहना क्या चाह रहे हैं ठीक है राजू कनौजिया ट्विंकल रोहित सत्यप्रकाश निधि सबको आंसर पता है ठीक है हिमांशु कुमावत सबको पता है कि वर्ल्ड वर्ल्ड एड्स डे हर साल एक दिसंबर को होता है ऑब्जर्व अब देखिए कभी कभी ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कब से स्टार्ट हुआ तो आप बोलेंगे कि ये 1988 से स्टार्ट हुआ ठीक है इसका मेन एजेंडा क्या है द डे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल दुनिया भर के लोगों के पीपल uh, को ये अपॉर्चुनिटी देता है टू यूनाइट इन फाइट अगेंस्ट एच तो एच क्या है एच वायरस है इसके अगेंस्ट लोग आते हैं टू सपोर्ट देखो बहुत हर इं, लाइन इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा कहीं पे भी काम आ सकता है टू शो सपोर्ट फॉर पीपल लिविंग विद एचआईवी टू टू कमेरेट दिस डे हु हैव डाइड फॉर एड्स रिलेटेड डिजीज तो ये कभी-कभी ऐसे -कभी भी होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को एड्स है और उसने um, वो दाढ़ी बनाया जिलेट के ब्लेड में वो उसका ब्लड आ गया और किसी ने फिर से वही यूज कर लिया उसके भी कट लग गया और उसके खून में वो खून चला गया तो ये वायरस जो है वो वैसे भी होता है ये चीज़ तो ब्लड और ये सब चीज़ जो पैथोजेंस होते हैं उनको बहुत सैनिटाइज करके और साफ सफाई से करना चाहिए इस बार का थीम क्या है इस बार का थीम है इक्वलाइज इक्वलाइज इस बार का थीम क्या है इक्वलाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको आप याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एस एस ए आई हैज़ अप्रूव विच एनिमल एज फूड एनिमल ओ oh, oh. ये क्या है हां 1988 से शुरू हुआ है इक्वलाइज इस बार का थीम है सब याद हो गया आपको है ना ठीक है ठीक है वैसे आज इंग्लिश में मैम करा रही है एनलॉगी एंड वो कैबलरी एंड एन नौ बजे ठीक है क्या लगता है किसको खा सकते हो कुछ लोग कह रहे हैं कि तहर अच्छा तहर क्या होता है जैसे हिमालयन तहर एक और तहर बहुत फेमस है नीलगिरी तहर बहुत फेमस है नीलगिरी पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ कहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ जो है वो इंडिया में केरला और तमिलनाडु के बीच में है तो ये जो नीलगिरी पहाड़ है बकरी को तहर बोलते हैं ठीक है थीके? ब बहुत दिन बाद बकरी लिखे तो बकरी को तहर बोलते हैं याक तो आपको पता है कि बहुत मतलब वो होती है गाय जैसी लेकिन बहुत उसमें बाल वाल होता है देखने में गाय जैसी होती है बहुत लोग याक कह रहे आंसर ठीक है ठीक है तो देखते हैं क्या है आंसर तो ये हिमालयन याक है एफ एस एस आई द फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि हिमालयन याक जो है वो फूड एनिमल है टू हेल्प चेक डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड बोवाइन एनिमल तो इनका इनका बेसिकली कम होते जा रहा था पॉपुलेशन लोग इन लोगों में इनका पॉपुलेशन बहुत कम होते जा रहा था और जो हाई एल्टीट्यूड वाली जगहें हैं उसमें इनका पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है कि रहे फूड एनिमल जो एनिमल होते हैं दैट आर रेज एंड यूज फॉर फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन बाय ह्यूमन ठीक है तो फूड एनिमल बहुत जरूरी हैं क्योंकि वो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में काम करते हैं तो ये फूड एनिमल जरूरी है एट द लेटेस्ट सेंसस 2019 में ये था और अराउंड 25 परसेंट ड्रॉप हो गया है फ्रॉम द लास्ट लाइफ स्टॉक अब अब मान लो कि हम लोग जहां रहते हैं गाय भैंस नहीं होगा तो कैसा होगा बोवाइन एनिमल का मतलब तो जैसे गाय हो गई भैंस हो गई ठीक है जो दूध देती हैं जो एनिमल्स तो वो बोवाइन एनिमल हो गई और हम गाय भैंस के बिना तो काम नहीं चल सकता है लाइफ स्टॉक ही की कमी हो जाएगी तो पहाड़ी क्षेत्र पर हिमालयन याक के बिना काम नहीं कर सकते हैं तो एफ यानी कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि फूड के प्रोडक्शन में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है तो ये फूड एनिमल है अगला सवाल है कि हु क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड टू सेवन से इन एन ओवर एक ओवर में छह बॉल होते हैं लेकिन इन्होंने सात छक्के मार दिए सात छक्के सत्यम तो एकदम क्रिकेट प्रेमी आदमी है मंजीत भी सत्या प्रकाश भी मतलब देख रहे हैं हम क्वेश्चन आते ही आंसर आ गया है और बहुत लोग सुस्त हैं क्लास ऐसे सुस्त वाले क्लास में नहीं चलेगा ठीक है तो ये है अट्ठाईस नवंबर ऋतु राज गायकवाड़ ने क्या किया प्लेइंग फॉर महाराष्ट्र ये पहले ऐसे बैट्समैन बन गए इन लिस्ट ए क्रिकेट जिन्होंने एक ओवर में सात छक्के मार दिए और ये विजय हजारे ट्रॉफी में है गायकवाड़ मेड हिज रिकॉर्ड अगेंस्ट उत्तर प्रदेश के खिलाफ हुआ था महाराष्ट्र के लिए खेल रहे थे मैच अहमदाबाद में हुआ और इन द फोर्टी ऑफ द इनिंग ठीक है तो सेकेंड लास्ट ओवर जो चल रहा था स्कोर फिफ्टी थ्री रन इंक्लूडिंग सेवन सिक्सेस ऑन द लेफ्ट आर्म स्पिनर तो कौन पिटाए हैं? शिवा सिंह इनका नाम है उत्तर प्रदेश के लिए खेल रहे थे और हो गया करियर समाप्त दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर इन लास्ट ए क्रिकेट जहां पे 43 रन्स रन इन्होंने मार दिया एक ओवर में बैट्समैन हैव हिट सिक्स तो अभी तक सिक्स मतलब छ बॉल में छक्का तो चलो ठीक है तो ये ग्रेडफिल्ड सोबर है रवि शास्त्री है हैं युवराज सिंह है रॉस बिटले हैं ठीक है जाजी हैं लियो का बहुत लोग यार कार्टर हैं पोलार्ड हैं पेरेरा है हमको तो युवराज सिंह ही पता था अभी तक और एक रवि शास्त्री पता था चलिए ठीक है नेक्स्ट आप देखें हु हैज बीन अवॉर्डेड एज दो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बाई फिक्की हाँ भाई एक नो बॉल था तो उसमें भी छह मार दिया और फिर फ्री हिट दिया गया नो बॉल में तो उसमें भी छः मार दिया गया देखने लायक मैच इसका शॉर्ट्स वगैरह होगा तो देखा जाएगा है ना पूरा मैच तो देखेंगे नहीं अभी लेकिन साथ ये छः बॉल देख सकते हैं ठीक है अब देखिए हु पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर तो हम बताएंगे जल्दी से पैरा स्पोर्ट्स पैरा स्पोर्ट्स कौन होते हैं जो लोग थोड़े से मतलब दिव्यांग होते हैं दिव्यांग यानी स्पेशली एबल्ड होते हैं डिफरेंटली एबल्ड होते हैं तो उनको पैरा ऑलम्पिक्स पैरा बैडमिंटन भी हो गया लखनऊ में खुल गया है स्टेडियम तो ये किसको मिला है ये मिला है आपको अवनी लखेरा जी को बहुत मतलब शी इज वेरी वेरी फेमस अवनी लखेरा क्या करती हैं टेन मीटर एयर राइफल शूटिंग करती हैं ठीक है थीके? तो अवनी लखेरा पैरालंपिक्स में है टेन मीटर एयर राइफल शूटिंग करती हैं इनको ये अवार्ड मिला है एट द 2022 इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और ये हैं अवनी लखेड़ा इनको आप याद रखिएगा याद हो गया है वेरी गुड चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखें हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द फॉरन सेक्रेट्री ऑफ इंडिया तो जब आप लोग आई ए एस बन जाएंगे आई पी एस बन जाएंगे इवन अगर आर्मी में भी बहुत अच्छे पोस्ट में जाते हैं तो ये मतलब सेक्रेटरी के रूप में भारत को रिप्रजेंट करने के लिए बेसिकली तो इनको रखा जाता है ब्यूरोक्रैट्स होते हैं बहुत ही हाई लेवल के इनका नाम क्या है इनका नाम है विनय मोहन कवा ठीक है तो ये अभी भी हमारे फ़ॉर सेक्रेटरी हैं और अब फिर से इनका पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है 1988 बैच के ये आईएफएस ऑफिसर हैं फॉरेन ऑफिसर हैं और इस बार 28 नवंबर 2022 को कहा गया कि इनका पीरियड हम लोग बढ़ा देते हैं 30 अप्रैल 2024 तक कर देते हैं और उसके बाद भी आगे हो सकते हैं कवात्रा हमारे देश के थर्टी फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है देखिए जब आप लोग बात करते हैं ना कि देश ये चल रहा है वैसे चल रहा है मेरा देश नहीं पढ़ रहा है आगे नहीं बढ़ रहा है तो बेसिकली सरकार जो है वो टेम्प्ररी है सरकार पाँच साल में बदल जाएगी लेकिन जो ब्यूरोक्रेट है वो है बुलवर्क्स वही है मेन ढांचा वही है मेन पिलर क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तो हमेशा ही रहेंगे ना परमानेंट रहेंगे ठीक है द फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज के पी एस मैनन देखिए अब यही सब पूछा जाता है कि कौन थे हमारे देश के पहले फॉरेन सेक्रेटरी तो के पी एस मैनन ठीक है फर्स्ट वुमेन फॉरेन सेक्रेटरी कौन थी तो चोकिला अय्यर चोकिला अय्यर भी बनी है हमारे देश की फॉरेन सेक्रेटरी वुमेन फॉरेन सेक्रेटरी थी ठीक है कवात्रा कितने में फॉरेन सेक्रेटरी है थर्टी फोर्थ फॉरन सेक्रेटरी है और आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ इसके पहले कौन थे हर्षवर्धन श्रृंगला थे श्रृंगला समझ में आ रहा है क्लियर है चलो बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है विच एयरलाइन विल बी इमर्ज विथ टाटा ओन्ड एयर इंडिया बाई मार्च दो हजार चौबीस तो कौन से एयरलाइन को टाटा के साथ मर्च कर दिया जाएगा इंडिगो हो गया स्पाइस जेट हो गया गो फॉस्ट विस, हो गया तो कौन सा एयरलाइन है यह एयरलाइन है आपका विथ तारा एयरलाइंस इसको मर्च कर दिया जाएगा टाटा ओन एयर इंडिया सिंगापुर एयरलाइंस एंड टाटा ग्रुप हैव एग्रीड टू मर्ज एयर इंडिया एंड विस्तारा बाई मार्च दो हजार चौबीस बाई मार्च दो हजार चौबीस और टाटा लेंगे का, 49 जो है, वो सिंगापुर एयरलाइंस ले लेगा ले गया खत्म कंपनी हुईवेट लॉन्च पैड एच्री हरिकोटा तो अब पहले क्या हुआ था स्काई रूट स्काई रूट क्या कर रहा था एक रॉकेट बनाया और रॉकेट प्राइवेट कंपनी रॉकेट बनाया ठीक है नाम क्या था उस रॉकेट का बताइएगा कमेंट सेक्शन में वी से नाम था हिंट दे दिए हैं है ना? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या नाम था और इसरो ने उसको लॉन्च किया था अब क्या है कि लॉन्च पैड भी ये प्राइवेट लॉन्च पैड है है ना ठीक है तो ये कूल कॉस्मोस है ये स्पेस स्टार्टअप हाँ बिल्कुल विक्रम है ठीक है स्पेस का टेक स्टार्टअप कंपनी है भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड ये बना रहा है सतीश धवन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में है आपको पता है इस बार इसरो के चीफ कौन है एस सोमनाथ हैं और ये अग्निकूल कंपनी है इसको आप याद रखिएगा और एक और कंपनी जो बहुत न्यूज में रहती है उसका नाम है स्काई रूट स्काई रूट ठीक है तो ये रॉकेट ही बना देती है सीधे चले नेक्स्ट विच सिटी विल होस्ट कौन सा शहर होस्ट करेगा क्या होस्ट करने वाला है जी ट्वेंटी फिनेंस मिनिस्टर्स की मीट तो जी ट्वेंटी कंपनी कंट्रीज जितनी हैं जी ट्वेंटी कंट्री की मीटिंग इस बार 2023 में भारत में होने वाली है तो पहले कौन सी मीटिंग होगी पहले होगी आपकी ये वाली मीटिंग फाइनेंस सेक्रेटरी वाली मीटिंग तो फाइनेंस सेक्रेटरी की मीटिंग कहाँ होने वाली है गाइस एवरीवन दिल्ली नहीं है बेंगलुरु है ठीक है तो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि बैंगलोर में होने वाला है क्या यहाँ पे होने वाला है जी ट्वेंटी फिनेंस मीटिंग जितने भी फिनेंस मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग है और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की भी मीटिंग है तो इन सारे जी देशों में सेंट्रल बैंक के गवर्नर होंगे जी ट्वेंटी देशों में कितने देश होते हैं टोटल तो बोलोगे हाँ 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 मैडम कितना आसान सवाल है जी ट्वेंटी देशों में बीस देश होंगे नहीं उसमें से एक ही यूरोपियन यूनियन है यूरोपियन यूनियन में अकेले सत्ताईस देश हैं पहले अट्ठाईस देश थे क्योंकि यूनाइटेड किंगडम भी था अब यूनाइटेड किंगडम का ब्रिगजिट हो गया था वो एग्ज़िट कर गया है तो अब यूरोपियन यूनियन में सत्ताईस देश हैं याद है ना सारी बातें चलें बढ़िया नेक्स्ट इंडियन नेवी इंडियन नेवी हैज लॉन्च न्यू वेसल इसका नाम क्या है इसका नाम है इक्षक ठीक है इक्षक हम सोचे इक्श हिंदी में भी पढ़ने में कष्ट अंग्रेजी में पढ़ने में कष्ट संस्कृत आता नहीं है देश में आगे जो तरक्की है वो कैसे होगा भाषा का इतना दुरुपयोग इसीलिए भाषा को बचाया जाता है ना इसी बात पे बता दो यार कि शेड्यूल में कितने जो हमारा एट शेड्यूल है उसमें कितने लैंग्वेजेस हैं हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताएंगे ठीक है इक्षक इक्षक जो है ये चेन्नई द्वारा है इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है इक्षक ये थर्ड ऑफ द फोर्थ सर्वे वेसल है सर्वे वेसल यानी कि बहुत बड़ा बड़ा वेसल है लार्ज है सर्वे करता है ठीक है तो ये काटूपल्ली चेन्नई में इसको डाला गया है बनाया किसके द्वारा गया है गार्डन रिस रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स जी आर एस सी ये कोलकाता में है इक्षक का मतलब होता है गाइड ठीक है तो गाइड करेगा और जो शिप है बीन बी नेम टू तो सिग्निफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्वे शिप टूवर्ड्स तो फैसिलिटेटिंग पा, सेफ पैसेज एट मेरिनर्स एट द सी समझ में आ गया तो ये है इक्शक क्लियर है बहुत बढ़िया नेक्स्ट आप देखेंगे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फर्स्ट इंडियन वुमेन इंडियन ही होंगी ऑब्वियसली फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर का नाम बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त आयुक्त मतलब कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दम रट जाना चाहिए इसका नाम ठीक है तो इनका नाम क्या है लक्ष्मी सिंह लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला आईपीएस हैं है कमिश्नर जो बनी है ठीक है पहली महिला आईपीएस तो बहुत सारी होंगी कमिश्नर बनी है क्योंकि अब दो जगह कमिश्नरेट आ गया था लखनऊ में और नोएडा में तो एट न्यू नोएडा पुलिस चीफ अब देखो एक बात बस, बस समझ जाना कि कमिश्नर जैसे मूवी में नहीं देखते हो कि हाई कमिश्नर हैं और इस तरह से तो कमिश्नर होने का जो कमिश्नरेट होता है उसमें और आम आईपीएस में क्या अंतर होता है जबकि रैंक सेम होगा तो मुंबई में कमिश्नरेट है नोएडा में कमिश्नरेट है अभी लखनऊ में कमिश्नरेट बनने वाला है तो जब भी कोई जिला होता है ना तो जिला में जितना भी प्रशासन का काम है उसका हेड आई होता है ठीक है तो इवन आईपीएस भी अगर कोई मतलब चीज कर रहे हैं तो उसका रिपोर्टिंग आई को ही जाता है आई को ठीक है आई उनका वो सब अपना काम करेंगे ये हम नहीं कह रहे कि आई एस हेड है लेकिन वो बेसिकली जिला में जो भी चीज़ होगा वो रिपोर्टिंग उन्हीं को जाएगा लेकिन कमिश्नरेट में ऐसा नहीं होता है कमिश्नरेट में आई को रिपोर्टिंग नहीं जाती है तो वहां पे आई ही सबसे ऊपर रहेंगे तो ये सब चीज़ें हैं अपने देश में होती हैं ठीक है ये भी अच्छी बात है चलिए नेक्स्ट देखेंगे ऐसे जब जहाँ से हम आते हैं बिहार से तो वहां पर बस दो ही चीज़ पनपती है ऊपर भगवान और नीचे आई तो किसी का भी शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसका जिस घर में बेटा आइए उसका तैयारी नहीं कर रहा है गजब क्रेज है वहां पे ठीक और अगर बस बोल दिया कि तैयारी चल रहा है तो उसके मम्मी पापा पूरे मोहल्ला में और पूरे रिश्तेदारी में हल्ला कर देंगे मेरा बेटा तो आइए का ना तैयारी कर रहा है करियर ड्रीम इज वेरी गुड होना अच्छी बात है लेकिन ऑब्सेशन नहीं ऑब्सेशन नहीं ठीक है काबिलियत होना काबिलियत बढ़ाना इम्पॉर्टेंट है इच्छा रखना इम्पॉर्टेंट है ड्रीम देखना इम्पॉर्टेंट है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ है जिसको मतलब इं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अपने ला, लाइफ को आप प्रूव कर दें कि हाँ इट इज़ सक्सेसफुल इट इज़ नॉट अबाउट बींग दैट ओनली विल मेक मी सक्सेसफुल इट इज़ नॉट अबाउट बींग दिस ओनली विल मेक मी सक्सेसफुल राइट चले हाउ मेनी एनिमल्स क्वारंटाइन सर्टिफिकेशन सर्विस हाउ मेनी इंडिया हैव हाउ मेनी एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेशन अब ये क्या है भाई तो देखिये यूनियन मिनिस्टर ठीक है यूनियन मिनिस्टर का नाम क्या है संजीव कुमार बल्न इन्होंने इनाग्रेट किया है एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेट सर्विस एट बेंगलुरु के हसर घाट में इसको किया गया है यहाँ पे छ्यू सी एस है इन द कंट्रीज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के फार्मर वेलफेयर के अंदर आ गया ठीक तो है तो यहाँ पर जगहें हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द सिटी कौन कौन सा है न्यू दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद तो एम क्या है इसका कि जो भी एग्जॉटिक डिजीज़ आता है ना एग्जॉटिक का मतलब होता है बाहर के देशों से आजकल जूनोटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जूनोटिक जूनोटिक डिजीज़ का मतलब है कि जानवर से होने वाली डिजीज़ है ठीक है तो टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द डेंजरस एक्सॉटिक डिजीज इन द कंट्री थ्रू इम्पोर्टेड लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक प्रोड्यूस कोई ऐसा जानवर देश में ना आ जाए जिसके कारण देश भर में बीमारियां फैल जाए तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिससे जानवर की आने की उम्मीद है तो यहां पे सर्टिफिकेशन होगा कि हाँ ये जानवर कोई बीमारी लेकर एक्सॉटिक डिजीज लेकर नहीं आ रहा है एक्सोटिक यानी कि जो बाहर के देश से आए जूनोटिक यानी कि जो मतलब जानवर जानवर से रिलेटेड तो जूनोटिक डिजीज यानी कि जानवर से होने वाली बीमारियां ठीक है अगला सवाल है मिलिट्री एक्सरसाइज हरीमाऊ शक्ति ये भारत और किस देश के बीच में स्टार्ट हुई है चलिए ये तो बता देंगे आप लोग मुझे पता है मेरा पूरा उम्मीद है तनू का आंसर आया मलेशिया ट्विंकल खन्ना नहीं ट्विंकल अग्रवाल ट्विंकल का आंसर भी आया मलेशिया Um, सत्यम सोच रहे हैं कि इंडोनेशिया साथ में ऐसे सोचने वाला स्माइली भी है ओके okay. सुजीत जी जो हैं वो सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं जो अभी डिस्कस हो चुका है और सेशन को कोई लाइक नहीं कर रहा है बहुत अच्छा इसी तरीके से स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए टीचर नाराज़ होते हुए आंसर इंडोनेशिया और मलेशिया में एक हा ना हा ना होते हुए देखते हैं आंसर अच्छा बहुत बढ़िया इन्हीं दो बच्चों का मुझे इंतजार था हिमांशु कुमावत कह रहे हैं फिलीपींस और सोबित कह रहे हैं कि हम सबसे अलग बोलेंगे हम बोलेंगे थाईलैंड ठीक है सबको कोई अपने अपना द रोड नॉट टेकन भी चल रहा है ओके गाइज तो आंसर मलेशिया है ठीक है हरिमाऊ <laughs> हरिमाऊ शक्ति ये किसके किसके बीच में हो रहा है तो ये बेसिकली भारत और मलेशिया के बीच में हो रहा है पुलाई क्लांग एक जगह है मलेशिया में और यहाँ पे ये हो रहा है और ये 12 दिसंबर 2022 को ये कलमिनेट स्टार्ट होगा थ्रू इन्हेंस द डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी ये किया जा रहा है मलेशिया और भारत के बीच में वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का थीम क्या है तो सातवीं बार ग्लोबल दुनिया भर में जितने भी टेक्नोलॉजी हैं जिसके बिना अब जीवन मुश्किल है इसका थीम क्या है वॉट इज द थीम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सममिट द थीम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी सम्मििट इज टूडेज टूडेज आइडिया फॉर टेक्नोलॉजी आज का क्या आइडिया है टेक्नोलॉजी को लेकर जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्या जियो पॉलिटिक्स हो रहा है जियो पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है वो पॉलिटिक्स जो कि ज्योग्राफी के आधार पे, यानी कि कौन सा कंट्री कहाँ है उस आधार पे बेस्ड हो है ना कलम बता रहे थे आपको कि नेबरहुड फर्स्ट वाला ठीक है टेक्नोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट तो बताएंगे इसका थीम है ग्लोबल टेक्नोलॉजी इसका थीम क्या है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी तो बेसिकली कहा जा रहा है देखो इंडिया भी एक आजकल एक बात बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट पॉलिसी नॉर्थ या ईस्ट लुकिंग पॉलिसी क्या मतलब है, है, क्या मतलब है? अगर बोलेगा कि ईस्ट लुकिंग पॉलिसी लुकिंग ईस्ट पॉलिसी ठीक है तो देखिए, इंडिया या कोई भी देश आसपास के देश के साथ संगठन बना के ही चीजों को ठीक कर सकता है अब हमने एक संगठन बनाया था सार्क जो कि इंडिया में उसमें था जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं पाकिस्तान भी था अब इंडिया और पाकिस्तान हमेशा आकर कश्मीर के मुद्दे पे पंगा हो जाता है तो अब हमने सोचा कि क्यों ना हम ईस्ट देखें ईस्ट देखें तो हमने बिम्स्टेक बनाया हमने एशियान के साथ अच्छा रिश्ता रखा है एशियान देश जो पहले दस थे अभी ग्यारह हो गए हैं ईस्ट थोड़ उसमें ऐड हो गया है तो जो भी भारत के पूरब के देश हैं उधर हमने देखा है तो यानी कि हमको भी जियोपॉलिटिक्स की जरूरत है हम भी अपने नेबर को ठीक से रखना जानते हैं और इस बार का थीम भी यही है जियो ऑफ टेक्नोलॉजी तो मिनिस्टर एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं अमेरिका के सिंगापुर के जापान के नाइजेरिया के ब्राजील भूटान यूरोपियन यूनियन और अदर कंट्रीज के जो कि इस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है याद रहेगा कहाँ होगा ये मीटिंग ये मीटिंग दिल्ली में होगा ठीक है आज कल समाप्त हो गया है। चलो नेक्स्ट क्लीनाथन हैकेथन आ गया बहुत सारा थॉन आ गया थॉन मैराथन भी आ जाता है ठीक है तो क्लीनाथन क्लीनाथॉन ये किस स्टेट द्वारा ऑर्गेनाइज है हम एक चीज़ देख रहे हैं कि बच्चे उस मूड में है कि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर वैसे काम नहीं चलेगा जैसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो क्लास छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा बचता क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली exactly यही क्वेश्चन आएगा हो सकता है कि ये पूछा जाए कि इसका थीम क्या है क्यों होता है क्लीनाथॉन है ना तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को जरूर सुनिए एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो क्लीनाथॉन ये हो रहा है कहा मिरामर बीच गोवा में हाँ नींद अभी आप लोग की टूटी नहीं है क्लास में थोड़ा सा आराम से अगर हम बात कर ले कि हेलो एवरीवन देखिए ये गोवा में हो रहा है क्लीनाथॉन ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिरामर बीच में और ये इवेंट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गोवा और दिव्याज फाउंडेशन और बामला फाउंडेशन तो आप लोग सो जाइएगा इसीलिए वेक अप एवरी वन और इसका मिशन है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ये क्या करता है टू मेक द इंटायर कोस्ट लाइन ऑफ गोवा

वो भी गोवा को साफ करने में काम कर रही है तभी तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर इनका नाम भी आया है तो आपको लगेगा कभी भी ऑप्शन में आएगा कि इस बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने गोवा की बीचों को साफ किया ऑप्शन आपको लगेगा ये स्टेटमेंट गलत है तो इसीलिए ये सुनिएगा ध्यान से ठीक है अब गोवा में आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी चल रहा है और गोवा के बीचों को भी साफ किया जा रहा है और इस बार गांधी मेडल किसको मिला है तो गांधी मेडल मिला है नहीं कश्मीरी फिल्म कश्मीरी फैंस को नहीं मिला है नारगेसी को मिला है नारगेसी एक इटालियन फिल्म है और ये पयाम इसका द्वारा किया गया था डायरेक्ट और फिफ्टी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ICFT सी यूनेस्को गांधी मेडल मिला है इस मूवी को इसको आप याद रखिएगा वेरी गुड एवरी वन एंड गुड मॉर्निंग इन द क्लास हु इज कमिंग हु इज गोइंग अच्छा मतलब व्हाट इज द थिंग कि आप लोग क्लास को रेगुलर क्यों नहीं अटेंड करते हैं कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं इस तरह से नहीं होता क्लास में आप आएंगे तो आप क्लास को इस तरह से देखिए कि आप एक घंटा पढ़ने के लिए आए और यहाँ पे अब जो भी क्वेश्चन मैम बताई हैं या उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बताई हैं अब कायनात भी पलट जाएगा तो हम इस क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं दे सकते इसीलिए हम हर सैटरडे को रिविजन भी करवाते हैं कल सैटरडे है कल रिविजन होगा पूरे वीक का हु हैज हुटेड द टेन मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर आपके द्वार तो डॉक्टर आपके द्वार तो ये आर के सिंह करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिनिस्टर ऑफ पावर है लेकिन इन्होंने किया है ठीक है दस मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर आपके द्वार और इसको शुरू किया क्या, क्या, कहा से किया गया भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार ठीक है चले स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इसको किया गया है फिर है कि टीम हैज वन अद्यार ट्रॉफी अद्यार ट्रॉफी अभी हम आपको स्लो बता रहे हैं फिर आपका लास्ट में क्या होता है रैपिड रिविजन भी चलता है ना तो अद्यार ट्रॉफी श्रीलंका में कौन सी टीम ने जीता है मद्रास बोट क्लब ने जीता है ये अद्यार एक जगह भी है और यहाँ पे इस टीम ने जीत लिया है सिपकॉट इंटरनेशनल पार्क सिपकॉट इंटरनेशनल पार्क ये किस स्टेट में शुरू हुआ है एस आई पी सी ओ टी सिपकॉट सिपकॉट इसको हुआ है तमिलनाडु में सीएम कौन है एम निधि स्टालिन इनका नाम है और ये तमिलनाडु में सिपकॉट हुआ है नेक्स्ट आप देखेंगे सौंदरम रामा मूर्ति सौंदरमन रामा मूर्ति ये एम डी एन सी ओ बन चुके हैं किस कंपनी के बी के ये कल भी हम बताए थे आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ये एम डी एन बन चुके हैं एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग अभी भी क्लास में आके गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। क्या ही हम बोले ठीक है ठीक है एस एन पी एस एन पी ग्लोबल रैंकिंग एस एन पी ग्लोबल रैंकिंग है स्लैश द इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये कह रहा है कि भारत जो है अब कम ग्रो करेगा सात परसेंट तक ग्रो करेगा पहले सेवन पॉइंट थ्री परसेंट ठीक है सब कोई बोल रहा है कि भारत कम ग्रो करेगा ऐसा क्या हो गया, गया। तो साइंटिस्ट रिवाइव था जॉम्बी वायरस और अभी फिर से ये जॉम्बी वायरस आ गया है और ये स्किन को जला देता है मतलब स्किन खाता है ये वायरस बर्ड इन दस आई इन विच कंट्री तो ये जॉम्बी वायरस देखिए सुन लीजिए ध्यान से फ्रांस के साइंटिस्ट हैं इन्होंने कहा है कि 48,500 इयर्स ईयर्स ओल्ड जोम्बी वायरस आ चुका है जो कि रशिया के फ्रोजन लेक में बड़ेड है यूरोपियन रिसर्चर्स ने एग्जामिन किया है कि एंशंट सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द परमा फ्रोस यानी कि सालों भर वो जमा रहता है इन द सर्बिया रीजन ऑफ रशिया ठीक है और इसमें थर्टीन न्यू पैथोजन मिले हैं और इनको जोम्बी वायरस कहा गया है क्योंकि ये क्या करते हैं इंफेक्शन स्प्रेड करते हैं डिस्पाइट हैविंग मिलेनिया ट्रैप्ड इन द ग्राउंड ग्राउंड फ्रोजन बर्फ में पचास हजार साल से के से अंदर है लेकिन अभी भी इंफेक्शन स्प्रेड करने का इनमें कैपेसिटी है विच म्यूजियम हैजन दो हजार बाईस यूनेस्को एशिया पैसेफिक अवार्ड एशिया पैसेफिक अवार्ड मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज वादसु श्रंहालय इन मुंबई ये हम आपको बता चुके हैं नेक्स्ट सवाल है के चेयरमैन के चेयरमैन मनोज कुमार ने इनोग्रेट किया रिहेप प्रोजेक्ट अब बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि मनोज कुमार ने री प्रोजेक्ट कहाँ पे इनोग्रेट किया है हाँ जी मनोज कुमार ने इसको इनोग्रेट किया है उत्तराखंड में ठीक है के वी आई सी के वी आई सी का मतलब हो गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के चेयरमैन है मनोज कुमार इन्होंने रिहाब प्रोजेक्ट कहां पे किया है उत्तराखंड में इनोग्रेट किया है आपको आंसर पता है चले अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड फर्स्ट कोविड वैक्सीन तो आपको इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है बस ऐसे कीजिएगा तो हो गया काम ठीक है तो ये किसने बनाया है ये भारत बायोटेक ने बनाया है इनकोवैक किसका नाम है अगला मोआना लाओ कल हम इसका मैप भी दिखाए थे अगर आपको याद होगा थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए याद आ जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है ये कहाँ पे बेस्ड है यह बेस्ड है आपका हवाई में हवाई में मोहाना लाओ एक्टिव वोल्केनो बेस्ड है हवाई वोलैनोज नेशनल पार्क में ये प्लेस्ड है चलिए ठीक है अब देखिए कल हम आपको कछुओं के बारे में पढ़ के आने के लिए बोले थे है ना तो कछुओं के बारे में पढ़ के आने बोले थे कछुआ और, और जो आपका खरगोश है उसका रेस होता है जिसमें हमेशा कछुआ जीत जाता है स्लो एंड स्टडी लेकिन अब उसका नया नया वर्जन ऑफ स्टोरीज भी आ चुका है कि अगर कछुआ जो है वो आराम नहीं किया और मान लीजिए थोड़ा देर सो भी गया लेकिन लास्ट मोमेंट में वो एक अच्छा रणनीति बना लिया तो तो भी खरगोश अगर सोया नहीं तो भी जीत सकता है भी मतलब वॉट एम सिंह कि जैसे क्या वॉट इज द स्टोरी कि कछुआ रेस जीत गया स्लो एंड स्टडी विन द रेन रेस लेकिन अगर बीच में खरगोश सो जाता है और टाइम पे उठ जाता है तो भी वो रेस जीत सकता है है ना यस पेड़ में मेरी क्लास दस बजे होती है तो यहाँ पर यहाँ पर दो कछुओं के बारे में है रेड क्राउन रूफ और लीच सॉफ्ट टर्टल अब इसके बारे में क्या जानकारी है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि देखिए ये जो आपका रेड क्राउन रूफ टर्टल है ना रेड क्राउन रूफ टर्टल तो इसको यहाँ पे क्राउन मिला हुआ है ठीक है ये नेटिव है भारत में और नेपाल में और बांग्लादेश में आता है यहां से सवाल आता है ठीक है और ये कहा मिलता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बेल्ट पे मिलता है नेशनल चैम्बल चैम चं, चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी में इसमें क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रेश वाटर है फ्रेश वाटर है अभी इसको समझिएगा इसका नाम घड़ियाल सेंचुरी क्यों है क्योंकि क्रोकोडाइल में भी अलग अलग तरह का है मगर है अलग मगरमच्छ जिसको बहुत बड़ा होता है घड़ियाल है घड़ियाल जिसका नाक स्नाउट की तरह होता है ठीक है वो स्नाउट जो घड़ियाल कैसा दिखता है आपको घड़ियाल ऐसा दिखता है ना जो घड़ा होता है पानी का तो घड़ियाल का भी नाक ऐसे लंबा सा होगा हो और एक होता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो घड़ियाल हमेशा फ्रेश वाटर में मिलता है इसलिए वो चंबल के नदी में मिलता है और यहाँ पे घड़ियाल सेंचुरी भी और इसमें टर्टल भी मिलते हैं ठीक है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में ये टर्टल मिलते हैं इसको आप याद रखेंगे साइट्स का है ये जगह और लीच सॉफ्ट टर्टल लीच सॉफ्ट टर्टल कहा मिलता है तो ये ऊपर नहीं मिलता है जैसे इंडिया में यहां पे आपको मिल गया रेड क्राउन टर्टल और लीच सॉफ्ट टर्टल ये आपको सदर्न पेन तो तुंगभद्रा कावेरी घाट प्रभा भावनी गोदावरी मोयार ये सब जगह में आपको लीच सॉफ्ट टर्टल मिलता है तो इस तरह से सवाल भी आते हैं हाँ मामले को इंग्लिश में क्या कहेंगे मामले इज एन अफेयर की वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल अफेयर वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अफेयर राइट अब देखिए अपेंडिक्स के लिस्ट में अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स तो इन द स्टेप फॉरवर्ड ये दोनों जो स्पीशीज हैं एक कौन सा पढ़ा हमने रेड क्राउन टर्टल एक स्पीशी हो गया और लीज सॉफ्ट टर्टल दूसरा स्पीशी हो गया है ना तो इसमें क्या डाला गया है कि इसको अपेंडिक्स लिस्ट में डाल दिया गया साइट्स में कि अब इनको मार के इनका ट्रेडिंग नहीं किया जा सकता है फाइन तो यहाँ पे नाइनटीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो पनामा सिटी में हुआ कॉप नाइनटीन इसमें इसको कहा गया कि अपेंडिक्स टू से इसको शिफ्ट कर दिया गया अपेंडिक्स वन में यानी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्यों क्योंकि ये स्पीशीज अब थ्रेटेड विथ एक्सटेंशन हो जाएगा और अब ये एक्सटेंड हो जाएगा मेजर थ्रेट क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं पानी में ऑर्गनाइजेशन हो रहा है तो इस कारण से ये सारे जानवर मरते जा रहे हैं तो इसको अपेंडिक्स के साइड टू में नहीं अपेंडिक्स साइड के अपेंडिक्स वन में डाला जाना चाहिए चलिए ठीक है अब थोड़ा सा रैपिड फायर हम लोग खेल लेते हैं तो जल्दी से आंसर सा बताएंगे वेरी गुड मॉर्निंग एवरी बहुत बढ़िया साइंटिफिक नेम है टेस्ट टू वेरी गुड वेरी गुड ठीक है ठीक है आमला को तो हम तो बुक में आमला ही पढ़े अगर अंग्रेजी में कुछ कहा जाता है तो आई नो वर्ल्ड वेगन डे होता है आपका फर्स्ट नवंबर। मेज डे मेज गार्डन कहाँ पे बना है मेज गार्डन यानी कि भूल भुलैया भूल भुलैया कहां पे बनाया गया है जल्दी से बताएंगे एवरी वन तो वेर भूल भुलैया भूल भुलैया बना है आपका गुजरात में नेक्स्ट एशिया का पहला पैथोजन रिडक्शन मशीन पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ पे बना है पैथोजन रिडक्शन मशीन ये आप बताइएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि एशिया का पहला पैथोजन रिडक्शन मशीन पे बना हुआ है यस एवरी वन तो ये बना हुआ है कहाँ पे ये लखनऊ में है नेक्स्ट आप देखेंगे कि लुइज इनाशियो लूला डा सिल्वा ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं ये प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के नेक्स्ट फीफा अंडर सेवनटीन वुमेन्स वर्ल्ड कप फीफा अंडर सेवनटीन वुमेन्स वर्ल्ड कप ये हुआ है स्पेन में ठीक है नेक्स्ट सुल्तान ऑफ जोहर कप जोहर कप के सुल्तान मीटिंग ऑस्ट्रेलिया कौन से कंट्री ने जीता ये इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है सुल्तान ऑफ जोहर नेक्स्ट है कि विच कंट्री हैज़ बिल्ड पोलैंड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट पोलैंड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट अमेरिका ने बनाया है स्कॉच अवार्ड लक्ष्मी भंडार स्कीम ये किस स्टेट ने जीता है ये स्टेट है वेस्ट बंगाल ठीक है स्टेट है वेस्ट बंगाल कौन से कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बन गया है तो ये इंडिया है इंडिया का डिफेंस मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है और अगर आपको पेट्स चाहिए तो आपको हरियाणा में पेट को रजिस्टर करना पड़ेगा देखिए एक बात हम बताते हैं ये सब तो ठीक है अंग्रेज़ी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल हम सही बता रहे हैं और जितने आपके एफ़ कैट सी डी एस सी ए पी एफ़ के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए तो और ज़रूरी है क्योंकि रिटर्न को क्वालिफाई करने में सबसे ज़्यादा नंबर जीके और मैथ से भी ज़्यादा नंबर आपको इवन रीजनिंग से भी ज़्यादा नंबर क्योंकि इंग्लिश में रीजनिंग मतलब एफ कैट में इंग्लिश के तीस क्वेश्चन आते हैं तीस एफ कैट में और रीजनिंग और जीके के पच्चीस क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स के बीस क्वेश्चन आते हैं तो पूरा नब्बे नंबर आपका इंग्लिश पर डिपेंड करता है एफ कैट में सी में एक सौ बीस क्वेश्चन आते हैं जो कि सौ नंबर के होते हैं तो 100 नंबर आपका सी में इंग्लिश पर डिपेंड करता है और बाकी भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को सही से पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए एफकेट सी डी एस क्वालिफाई भी हो गया लेकिन एस एस बी और ए एफ एस बी में कैसे बोलोगे वहाँ पे भी इंग्लिश ज़रूरी है आजकल जिस भी एग्ज़ाम में सी सैट होता है सी सैट में भी इंग्लिश ज़रूरी है है ना सी ए पी एफ में सी सैट में इंग्लिश ज़रूरी है तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है नौ बजे डिफेंस अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे प्रिया मैम की क्लास चलेगी और ये जो जीरो लेवल के बच्चे हैं हमको नहीं आता अंग्रेजी बस बात ख़त्म हम आज भी आई डिडेंट गॉट माई बुक मतलब हम डिड के साथ पास टेंस लगा रहे हैं हमको नहीं आ रही कोई बात नहीं हम इस क्लास में ये सोच के जाएंगे कि हमको नहीं आता है ठीक है हमको नहीं आता है और अब हम, हमको आना है तो यहाँ पे ये नौ बजे की क्लास है और ये एनोलॉगी और वो हमको तो ये भी नहीं पता एनोलॉगी क्या होता है खैर तो वो कैबलरी का मतलब हमको पता है कि मीनिंग बताया जाता है किसी भी वर्ड के बारे में डिस्कस किया जाता है तो इस क्लास में आपको आना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा ठीक है बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि मैम आप तो बहुत सुना है हमने कि धमाकेदार क्लासेस चल रहे हैं सी और सी में तो उन क्लासेस में कैसे आना है उन क्लासेस में आने के लिए मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि वो जो आपके धमाकेदार क्लासेस चल रहे हैं उनके लिए क्या करना है उनके लिए आपको गूगल में जाना है गूगल में जाते ही आपको यहाँ पे क्या करना है न्यू टैब ओपन करना है और अड्डा ट्वेंटी फोर्थ सेवन डॉट कॉम पर जाना है तो अगर आप किसी भी ए एल पी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कोई भी स्टेट के ए ई जे की तैयारी कर रहे हैं कोई भी कोई भी एस एस सी जे ई दो हज़ार तेईस की तैयारी कर रहे हैं दो हज़ार बाईस की मेन्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वेबसाइट पर तो आपको आना पड़ेगा ठीक है ये वेबसाइट पर हम आ गए इसको आप ऐसा ना फेवरेट्स में स्टार मार्क कर दीजिए ठीक है स्टार मार्क करने पे क्या होता है कि ये हमेशा आपका पिन पिन रहेगा या फिर सबसे बेस्ट बताऊं अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप इंस्टॉल कर लो मैंने भी कर लिया है है ना अब आप क्या करें कि ऑल कोर्सेज में आप आएंगे और यहाँ पे आपको सब पूरा द्वार खुल जाएगा जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है आपको डिफेंस की तैयारी करनी है आपको इंजीनियर्स की तैयारी करनी है किसी भी तो डिफेंस में हमने यहाँ पे क्लिक किया डिफेंस में हमने सी ए पी एफ़ सी डी एस एफ कैट एन डी ए सब चीज़ आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है अब देखो बात क्या है ना प्रॉब्लम क्या है कि सी डी एस का हमने रिटर्न क्वालीफाई कर लिया है हर बार ही हो जाता है ठीक है चिल्ड है सीन लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश आती है मुझे जी के भी आता है एफ़ कैट के लिए रीजनिंग भी आता है और दोनों के लिए मैथ्स भी आता है सी डी एस और एफ कैट के लिए लेकिन एस एस बी का क्या मुझे तो नहीं पता कि साइकोलॉजी में क्या बोलना है पर्सनल इंटरव्यू में कितना फ्रैंक होना है किस टाइप के स्टेटमेंट लिखने हैं मान लीजिए कोई टॉपिक आया आइसक्रीम और हम लिख दिए आई लव आइसक्रीम्स ये चलेगा या फिर टफ uh, लिखें कि आइसक्रीम्स आर मेड अप ऑफ मिल्क स्वीट्स एंड फ्लेवर्ड ये लिखें क्या लिखना क्या है कोई भी वर्ड मुझे आ गया नॉस्टैल्जिया आई एम नॉस्टैल्जिक अबाउट माय पास्ट इतना लिखना काफी है या कुछ और लिखें लिखना क्या है आप कहाँ लिखना है टैट में वैट में एस में एस में लिखना क्या है राइट right? या फिर पी में क्या करना है जी टी ग्रुप ग्रुप टास्क में क्या करना है जी में क्या करना है तो उसके लिए कर्नल सिरोही सर ने क्रैक एस एस बी बैच लेकर आए हैं और हमने क्या कहा हमने कहा कि एक काम करते हैं कि जो बच्चे हैं उनको रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद कर्नल सिरोही सर आप बता दीजिए कि कैसे एस एस बी भी क्वालिफाई करना है तो ये दो बैच हम लेकर आ गए कैट और सीडीएस का कि बच्चे कैट और सीडीएस के कॉम्बो मैच में आई है रिटर्न एग्जामिनेशन के साथ साथ अब हाथ आपका नहीं छोड़ेंगे हम हम आपको जब तक मेरिट लिस्ट में लेकर नहीं जाएंगे तब तक आपको हम लोग यहां से अलविदा नहीं कहने वाले हैं ठीक है हाँ तो अब हम यहां पे क्लिक करेंगे जैसे ओ का एक बैच आ गया और एक आई का बैच है लड़कियां ओटीए के बैच में जाएंगी लड़के जिनको मैथ्स के साथ एग्जाम देना है वो आई एम में जाएंगे और जिनको मैथ्स के बिना देना है वो ओ तो अब डिफेंस में हम आ हमको सी हमको एस में कॉम्बो बैच के बारे में पता है हमने इस पे क्लिक किया अच्छा मैम ब्रिटेन के साथ साथ एस भी और ये एस वाले बैचेस जो है ना वो डिफेंस के महापैक में नहीं है ठीक है तो वाई थ्री थ्री टू हमने अप्लाई किया है और यहाँ पे टू फाइव सेवन फाइव पच्चीस सौ पचहत्तर रुपए में कहीं पे भी आपको रिटर्न और एसएसबी दोनों की तैयारी साथ में नहीं मिलेगी और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी ऑफर तो ये एक साल के लिए बैच मिलेगा तो अगर आप पच्चीस सौ पचहत्तर को एक साल यानी कि थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव से कैलकुलेट करते हैं टू फाइव सेवन फाइव डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी फाइव तो एक दिन का हुआ सात रुपए एक दिन का हुआ सात रुपये और सात रुपये में आपको सात क्लासेज मिल रही हैं तो एक क्लास हुई एक रुपए की ओके okay. तो इतना मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आ रही है बात तो यहां पे आप क्लासेस में आ सकते हैं कोर्ट तो आपको पता ही है कि वाई थ्री थ्री टू हमने अप्लाई कर दिया है सिमिलरली आप एफ कैट में भी आ सकते हैं और जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो भी देख लो यार इतना अच्छा ऑफर कहीं और नहीं मिल रहा है हर एग्जाम की तैयारी और हम तो बोलेंगे कि इसके लिए आप महा पैक ले लीजिए

सो so, इस तरह से आपको करना है और अब आप देखें जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है तो अभी बस आठ मिनट बाद ये लिंक भी मिल गया आपको चैट सेक्शन में इंग्लिश की क्लास से एनालॉगी और वो बिना इंग्लिश के कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है तो इस क्लास के बाद आप इसमें जाइए है ना और आर्यन कह रहे हैं लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम इट बिफोर इट मेल्ट्स तो ये एस एस बी में लिखने के लिए बहुत अच्छा लाइन है वेरी गुड आर्यन एक्सलेंट तो यही सोच को आपको विकसित करना है सोच आपका है हम आपको बस जरिया बता रहे हैं कि कैसे उसको डेवलप करना है हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई योर ब्रेन इन द एग्जामिनेशन राइट तो प्रिया मैम की क्लास को जरूर सारे बच्चे देखेंगे अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स को जितना आपने प्यार दिया है इंग्लिश के लिए भी आप बिना इसके काम ही नहीं चलेगा गाइस मैंडेटरी है देखना पड़ेगा एस एस बी में बोलोगे भी अंग्रेजी में ही और गलत अंग्रेजी बोले तो गए ठीक है सो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू फॉर द सेशन इसी तरह से इंजॉय करके पढ़ाई कीजिए थैंक यू जय हिंद